What's up, everybody? Welcome to Shrey Artist. This is Komal Singh Sira. This is Randhir Pratap Singh. And we are happy! क्योंकि हमारा कैमरा वापस आ चुका है ठीक ओके इट इज फाइन एज वाइन और हम बहुत ज्यादा खुश हैं आज. तो आज का हमारा प्लान क्या है? आज हम जा रहे हैं पुराने दिल्ली जामा मस्जिद के पास चिकन खाने. असलम चिकन खाने के लिए अपनी कई साल पुरानी जगह जहाँ पर हम कई सालों से जाते आ रहे हैं, आज हम वहाँ पर जा रहे हैं. असलम चिकन, उसके ऊपर आपने कई लाख वीडियोज ऑलरेडी देखी है, बट हमारे काइंड ऑफ स्टाइल की वीडियो हम बनाएंगे उस पर. आपको ऑनेस्ट ओपिनियन, जैसे लोग हमारे को बोलते हैं, थोड़ा सा मुगलई स्टाइल की स्वीट भी हम आपको ट्राई करके दिखाएंगे. तो लेट्स गो टूवर्ड्स जामा मस्जिद. We have reached Jama Masjid, Purani Delhi, and आप रौनक देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा रौनक है. हमारे सामने जस्ट है जामा मस्जिद. वो रहा जामा मस्जिद को मैं एक टर्म में डिफाइन करता हूँ, इट इज अ ब्यूटीफुल chaos. आई कॉल इट अ ब्यूटीफुल chaos. जस्ट लुक एट इट, इट इज chaotic बट इट इज ब्यूटीफुल इन अ वे, बिकॉज दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली. यहाँ पर आपको हर टाइम सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे. आप गूगल पर भी ओल्ड दिल्ली सर्च करोगे तो सिर्फ लोग ही आते हैं. आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और आप अपने आप चल जाओगे आगे, क्योंकि लोग चलते रहते आप भी धीरे धीरे चलते रहते हो. जामा मस्जिद के ठीक सामने ये रोड है जिसपे आगे जाके आपको मिलेगा असलम चिकन. और अब हम खड़े हैं द फेमस अल जवार के आगे, और अब हम जा रहे हैं और आगे आगे जाके आता है द फेमस ओल्ड दिल्ली करीम. और ये देखो भीड़ देखो आप, और उससे आप थोड़ा, हाँ जी हाँ जी, उससे थोड़ा और आगे आप जाते जाओगे तो एंड में थोड़ा सा आगे जाकर आता है असलम चिकन कॉर्नर, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं. और वहाँ पर मिलता है बहुत टेस्टी बटर चिकन, और मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, इतने दिन से हमने खाया नहीं. वो बहुत अमेजिंग होता है, वहाँ बहुत अमेजिंग बटर चिकन मिलता है, बिकॉज असलम बटर चिकन वाले वो लोग हैं जिन्होंने बटर चिकन का मीनिंग सीरियसली ले लिया. वो बहुत ज़्यादा उसमें बटर डाल के बनाते हैं, मतलब मैंने उसका एक नाम रखा हुआ है कि थोड़े से चिकन बटर में, क्योंकि वो एक कटोरी में बटर डाल देंगे खूब सारा और उसमें आपको थोड़ा सा चिकन डाल के दे देंगे, और वो इतना अमेजिंग होता है. एक्चुअल मीनिंग ऑफ बटर चिकन ये यहाँ पे पता लगेगा. जैसे ही आप शॉप में घुसते हो उसके आगे वो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसको देख के आप वेट नहीं कर पाते क्योंकि नंबर आने में टाइम लगता है. हमारे नजदीक आता जा रहा है और हमारे मुंह में पानी और भरता जा रहा है, उसकी खुशबू बहुत दूर से आ जाती है. तो अब चल रहे हैं उसके पास, बिल्कुल आ गया असलम. भाई साहब ये असलम चिकन का. ये देखो भैया कह रहे हैं हमारा कैमरा बहुत अच्छा है, तो आप बताओ हम कहाँ जाके बैठे, ऊपर या नीचे? ऊपर सेकंड फ्लोर में. सेकंड फ्लोर पे चल, कुकु आजा सेकंड फ्लोर पे, ऊपर जा सेकंड फ्लोर. हम तो कैट भी बड़ा, चलो चलो लेट्स गो. इस बार बहुत ज़्यादा लाइट है, हम कई सालों के बाद आ रहे हैं ऑलमोस्ट, और इन्होंने लाइटों में बहुत ज़्यादा चेंज ले आए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट हो रही है. You get a silky smooth table to eat butter chicken. हमने ऑर्डर किया हाफ बटर चिकन, हाफ कबाब और रुमाली रोटी और ढेर सारा सलाद. इसका इमेज पूरा ही चेंज हो चुका है. पहले सिर्फ हम खाने पे फोकस कर सकते थे, लेकिन अब हम अपनी शक्लों पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अब लाइटिंग काफ़ी चेंज कर दी है इन्होंने. तो आप देखते खाना बस ना चेंज हुआ हो, वरना बहुत दुख होगा हमारे. हाँ, खाना चेंज नहीं होना चाहिए. हमारा फेवरेट मोमोज वाला था, उसने भी अपनी दुकान वहाँ से हटाई, और उसको मैंने एक लक बाय चांस ढूंढा
और जब उसको हमने ढूंढा तो उसका मोमोज का स्वाद टेस्ट हो चुका, चेंज हो चुका। ये जामा मस्जिद पहुंचने का रास्ता बहुत सिंपल है, अगर आप गूगल मैप्स पे गूगल मैप करते हो तो भी आप गूगल मैप से जामा मस्जिद देखो, उसके सामने ही मार्केट है बिल्कुल, आप यहाँ पहुँच जाओगे। आप किसी से भी पूछ सकते हो, वरना मेट्रो चलती है जामा मस्जिद के नाम से, मेट्रो स्टेशन है, आप उस मेट्रो स्टेशन पर आओ, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये वाली गली, और वरना ये दरियागंज से बिल्कुल पास पड़ता है। अगर आपको दरियागंज का आइडिया है, चावड़ी बाजार का आइडिया है, तो दोनों साइड से पास पड़ता है, तो आप कैसे भी गूगल करके भी आ सकते हो, और आपको दरियागंज पता है या चावड़ी बाजार पता है तो आप आ सकते हो। और जिनको पुरानी दिल्ली का रास्ते का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं, प्लीज़ गूगल मैप करके आना, वरना खो जाओगे, या फिर अगर आपके सोशल स्किल अच्छा हो, आप लोगों से कम्युनिकेट करके आ सकते हो, तो आप वैसे आ जाओगे, क्योंकि पुरानी दिल्ली में घूमना एक चैलेंज है अपने आप में। तो गाइस हमारे को अभी एक अनफॉर्चुनेट सरप्राइज मिला, वी वर सिटिंग एंड वी हैड ऑक्यूपाइड अ चेयर, हम सेकंड फ्लोर पर बैठे थे और हम चार वाली सीट पर बैठे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें दो वाली पर्सनल सीट पर बैठना है तो ऊपर जाओ, तो मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, आप ये शेयर करते रहते हैं यहाँ पे चेयर्स, तो हमारे को उठ के ऊपर आना पड़ा है, हमारे हाथ में कोल्ड ड्रिंक आ गई थी, हम सेटल हो गए थे, बट अब हमारे को फिर से अनसेटल होना पड़ा है। वी गॉट द सेम एग्जैक्ट सीट विच वाज सिटिंग ऑन अर्लियर, बस उसका एक फ्लोर ऊपर आ गया। कैसा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक? एक फ्लोर ऊपर आके एक्सपीरियंस अच्छा है, और यहाँ पर ठंडी हवा आ रही है क्योंकि गेट खुला हुआ है। अब खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज भूख लग रही है, मैंने शाम से कुछ नहीं खाया था क्योंकि असलम आना था। और ये आगे है चिकन सीख कबाब। They say into your early life romance came. दोस्तों इसके सीख कबाब आ चुके हैं along with रुमाली रोटी और इनका सैलेड है। आप इनके सीख कबाब इतने अमेजिंग होते हैं कि आप उसको सीधा रुमाली के साथ खा सकते हो, आपको बटर चिकन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वो सारा आएगा तो हम सारा मिल के खाएंगे, क्योंकि इनके सीख को जो इनके बटर चिकन की ग्रेवी है ना उसके साथ खाओ ना तो बहुत अमेजिंग लगता है, इवन इनका चिकन फेल हो जाता है। मेरी खुद की पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं इसको सीख को अलॉन्ग इनकी बटर चिकन वाली ग्रेवी में डुबा के खाता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। दोस्तों मैं मेन बटर चिकन के लिए वेट करना पड़ रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ उससे पहले थोड़ा सा ही खा लेती। खाई जा रही है कैसे? अच्छा है। कैसे है? When you meet your crush, बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत अमेजिंग, बिल्कुल भी स्वाद चेंज हुआ, इवन बेटर लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, बहुत मस्त है, बहुत मस्त। इसको सही तरीका खाने का तुम क्या है? इसको ऐसे काटो, इसको इसमें डिप करो, ये बटर है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि इनका जो ये सैलेड है ना, ये कई दुकानों के चिकन से टेस्टी होता है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, इनका सिर्फ ये सैलेड सैलेड है मसाले के साथ और दही के साथ। द मेन थिंग इज हेयर, ये आ गया बटर चिकन, ये ऐसे कटोरी में देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कोई प्लेट्स नहीं मिलती, ऐसे मिलता है बटर चिकन, तो आप इसके साथ खाते हो डायरेक्टली, इसमें से उठाओ इसमें खाओ, नो प्लेट नो क्रॉकरी, मैंने वेट में ही ख़त्म भी कर दिया। अब हम मेन चीज़ खा रहे हैं और अब आपको खा के बताते हैं कैसा है। ग्लासेस ज़रूर अलग मिलते हैं लेकिन प्लेट्स नहीं मिलती, वो कहते हैं कि मेल मिलाप से खाओ। वन रुमाली रोटी, चूज अ पीस, डिग इन टू द करी, चिकन का टेस्ट वैसा का वैसा है, चिकन का और सीख कबाब का टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। It is still the same. बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आई कॉन्ट वेट और तेज तेज खाने के लिए। खाना
खाना कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर आपको खाना कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर जो लोग वर्क करते हैं वो आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप मीठे में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप नहीं बोलोगे तो कहेंगे दो इनके लिए खीर लगाओ। हमने बोला हम नहीं इंटरेस्टेड, उन्होंने फिर भी हमारे को खीर ला के दे दी। तो हम इनकी खीर खा के देखते हैं इनकी खीर कैसी होती है। ओ वाओ, दिखने में तो बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर लग रही है मेरे को, ये कुल्फी की तरह लग रही है। ओ और काफ़ी सॉफ्ट भी है। नाइस, बहुत अच्छी है। मना मत करना आप लोग आके, कह देना ले आओ, बहुत अच्छी है। ये भी तू भी खा ले। ये बिगली पिघली है और मेरे को मलाई वाली चीज़ें खाने अच्छी नहीं लगती है, पर मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। अलग से स्वाद है इसका पर अच्छी है। एक और मंगा लेते हैं, ठीक है, खा लो आप। कैसे बना दो भैया आप ये वाला ड्रिंक? दूध रोक जा, दूध रोक जा और वाटरमेलन। मैंने सौंफ गलत खा ली है? बहुत ठंडा है और बहुत सही है। अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है? ठंडा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा मुंह ऑलरेडी बहुत ठंडा हो गया था, मैंने बहुत सारी सौंफ खा ली है। और कितने रुपए का भैया ये? 20 रुपीज़ का ये एक ग्लास। अरे बहुत टेस्टी। Look at this thing. मतलब amazing ना? मैं आपको टेस्ट नहीं बता सकती कि आप भी टेस्ट कर लें यहाँ से, लेकिन टेस्टी बहुत है, बहुत अच्छा। हमने बटर चिकन हाफ, सीख कबाब, रोटी और खीर भी खाई। हमारा टोटल बिल आया 360 रुपीज़। 360 आया, 40 रुपीज़ के खीर के उन्होंने हमसे ऊपर ही ले लिए थे। हाँ। रिकॉर्डिंग कर रहे चैनल के। हाँ। और जो ओनर थे उन्होंने हमारे को 20 रुपीज़ का स्पेशल डिस्काउंट दिया, क्योंकि सिर्फ ओनर हमें पहचान पाए और कोई नहीं पहचान पाए। उन्होंने नहीं हमें पहचाना, जो स्टाफ था वो हमारे को नहीं पहचानता, हम बहुत टाइम से आ रहे हैं, तो ओनर हमारे को पहचानते हैं। तो उन्होंने इतने दिनों बाद कहाँ से आ रहे हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि हमारा चैनल है अब, तो थोड़े सरप्राइज थे। उन्होंने कहा लो तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है। तो अब हमने वो प्यार मोहब्बत की ड्रिंक पी, वो 10 रुपए की होती थी, अब वो 20 की हो गई है। नहीं 30 की हो गई है, क्योंकि बताऊँ क्यों? क्योंकि प्यार मोहब्बत और शरबत मतलब सबके 10-10 रुपए। ऐसा कुछ नहीं, उसने हमसे 20-20 ली है। ब्यूटीफुल क्योस्क का पार्ट, आप लोग भी आके बनो, आपको बहुत मजा आएगा। सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग ही पूरे टाइम इतना अलाइवली होता है। और रात को यहाँ पे मार्केट लगती है। पुरानी दिल्ली में खाना खाने का मजा असली रात में ही है, यहाँ पे रात में ही इतनी ज्यादा रौनक होती है और इसकी फील आपको रात में ही है। और 10:30-11 बजे तक असलम, जो असलम बटर चिकन है वो सर्व करते हैं। दोस्तों ये ब्लॉग में आपको मजा आया होगा, हमें तो बहुत मजा आया क्योंकि हमने बहुत सारा खाना खाया। तो आप जाकर हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे स्टोरीज डालते हैं। तो आज का दिन हम इसी अच्छे मूड पे खत्म करते हैं। खाने के बाद मेरे भी खाना नहीं बोलो ना। खा लिया अंकल, खा कर आए हैं। आइसक्रीम भी है, शाही टुकड़ा भी है, मीठे बोला जाता है। तो अंकल जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर शाही टुकड़ा बहुत फेमस है, वो कहते हैं शाही टुकड़ा यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। आइसक्रीम है, शाही टुकड़ा है, आइस, बहुत सारी आइटम मिलती है अंकल हमारे को बता रहे हैं। हाँ जी, बहुत आइटम, बहुत आइटम अंकल कह रहे हैं। तो आप लोग अच्छा मिलता है, ऑटो भी अच्छा मिलता है भैया कह रहे हैं, ऑटो भी अच्छा मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर आके ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो, ऑटो भी बहुत सारे टाइप के मिलते हैं, तो आप ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पे आके। तो ओल्ड दिल्ली इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन, वी एज स्ट्रे आर्टिस्ट वुड रियली रिकमेंड एवरी वन टू कम ओवर हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल केओस। आदियोस अमिगोस।